हेलो 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 गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का डेट है 27/3/2024 एंड 27 मार्च। कल का है बैंक अपना निफ्टी 50 का एक्सपायरी। चलो देखते हैं निफ्टी 50 कभी क्या कर सकता है। ठीक है, कल एक्सपायरी के लिए अपना व्यू भी देखते हैं क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं कि क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक साला एक बॉक्स में अटका है ना, कि पूरा पूरा गेम यहाँ एक बॉक्स में अटका है। ये बॉक्स में अटका है एक गेम पूरा का पूरा। अच्छा, एक बार रिमूव कर देता हूँ मैं इसको। तो देखो यहाँ से ये जो जोन है, लास्ट टाइम से ये जोन से निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है ना। इसी के अंदर जाके बंद हो रहा है, इसी के अंदर जाके। तो अपन कल थोड़ा सा मे बी नीचे साइड ही देख सकते हैं, एक बड़ा सा गिर सकता है नीचे। ये आया, ये ऊपर गया, एक नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाना रहेगा तो फिर डब्लू बना के जाएगा, ऐसा ऐसा तो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, अभी आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आवरली पे रिमो ड्राइंग, आवरली टाइम फ्रेम पे अपने को मेन रेजिस्टेंस दिख रहा है ये साइड में। ठीक है, ये कल ब्रेक होगा 101%। कल ये ब्रेक होगा, यहाँ पे बायर्स को बुलाएंगे। जैसे ही बायर्स एंटर हो जाएंगे ऐसे सेलिंग साइड में घुस जाएगा। ये दो चीज़ें हैं मेरे पास अभी कल के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ से सपोर्ट ले लेके जा रहा है। एक तो इसको ब्रेकआउट करके ऐसा आएगा, या फिर यहाँ से नीचे जाके फिर यहाँ से इसको ट्रैप करके ऊपर साइड जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए ऊपर नीचे जाने के लिए। ऐसा ही मार्केट ऊपर नीचे जाता नहीं है कभी भी। और 15 मिनट पर देखते हैं, 15 मिनट पे अपनी लेवल्स कल ये रहेगी। ठीक है, कल की लेवल्स ये रहेगी, ये लेवल एक रहेगी। इतना जोन देना पड़ता है क्योंकि इसमें ये भी तो बनना चाहिए। पैटर्न बनने के लिए तो जगह तो देना पड़ता है ना भैया, ऐसा नहीं चलता है ना। दूसरा ये है, ये जोन रहेगा एकदम पास में हो जाएगा ये। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं। ये गैप डोम वाला जो जोन है, इसमें अभी तक तो क्या हुआ है वो पता नहीं अपने को ना। ये जोन में क्या हुआ आपने अब तक पता नहीं है। एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा यहाँ पे इस साइड पे, ये जो जोन है यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट रहेगा वॉच आउट करने के लिए, टारगेट के लिए। ये एंट्री के लिए यूज़ नहीं होगा, एंट्री के लिए तो ये दोनों ही यूज़ होगी। ये तो बस एक टारगेट वारगेट के यहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक जा सकता है उसके लिए। ठीक है, जितना बाइंग का ऑर्डर आज फिल हुए हैं मेरे को तो लगता है बाइंग कल गैप ओपन होगा यहाँ तक। यहाँ तक एक बार ओपन हो गया अपन फिर अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से कैसा लिक्विडिटी कहाँ ऐड हुई है देखो। ये जोन पे लिक्विडिटी ऐड हुई क्योंकि ये जो था, ये जोन जो था, यहाँ से बाइंग बहुत बहुत ज़्यादा आई है और यहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है, इस जोन में सेलर्स बैठे होंगे, सेलर्स का दिमाग चलेगा यहाँ पे। ये है दूसरा अपने लिए जोन, क्योंकि यहाँ से लोगों ने सेलिंग करना चालू किया है ना, तो यहाँ से लिक्विडिटी ऐड हुई होंगी ना। ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखते हैं। एक तो ब्रेकआउट जहाँ पे होता है वहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, और एक तो जहाँ से रिवर्सल आता है वहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। ये दो जोन होते हैं, एक जोन है इसको पकड़ के चलते। ठीक है, बढ़िया। ऊपर बोला कि नीचे है एक नंबर, यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस देख सकते हैं अपन। ठीक है, और एक इसके तरफ भी ध्यान देना, ये जो ट्रेन लाइन बनती है, ये ट्रेन लाइन जो बन रही है, इस जोन को भी याद रखना। यहाँ से अगर टूटेगा ना बहुत मस्त मार्केट नीचे करेगा, और यहाँ से ऊपर फूटा तो बहुत मस्त बैठ गया, मतलब कल 22/3/2024 तो भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी एक्सपायरी का एनालिसिस। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।